ध्यान से गौर से ये पानी पिला देगा। अगर आप बैठ रहे हैं हिंदी के किसी भी एग्जाम में जहां हिंदी आती है, संबंध वाचक सर्वनाम का वेद, संबंध एक कारक भी है, संबंध बोधक अव्यय का भी वेद है। तो बेटा संबंध संबंध तीन हो गए, इसलिए पेपर में पानी पिला देगा। अरे वाह, थैंक यू बेटे। देखिए ध्यान से, वो पानी क्यों पिला देगा? अगर आप हरियाणा या रीट में बैठते हैं किसी भी एग्जाम में, हरियाणा में या राजस्थान में, तो मैं अक्सर देख रहा हूं पिछले कुछ समय से ऐसे वो स्टेटमेंट दे के पूछ लेते हैं कि सिद्धाना पूछ के स्टेटमेंट दे के कि एग्जाम पर इसका है या ये इसका है। तो इस तरह से देखिएगा बेटे, ये संबंध नाम से तीन के वेद है, एक और दो और तीन, तीन के वेद है। तो देखिएगा संबंधवाचक सर्वनाम, संबंध कारक और संबंध बोधक अव्यय, भाई तीनों में फर्क क्या है बेटे? जब संबंध सर्वनाम शब्दों से बताया जाता है तो वो सर्वनाम है। किसे बताया जाता है? सर्वनाम शब्दों से। अभी बता दूंगा मैं, दो मिनट रुकिएगा, आप क्लियर हो जाएगा। संबंध कारक, जब संबंध विभक्ति चिन्ह से बताया जाता है, जब संबंध बेटा विभक्ति चिन्ह से बताया जाता है तो संबंध कारक है, राइट, क्लियर है। और जब संबंध अव्यय से बताया जाता है तो बेटा वो संबंध बोधक अव्यय है। देखिए एक बार ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं, अव्यय से चले, सर्वनाम से चले या कारक से चले? तो देखो बेटे, उसने बोला जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो एक बार बोर्ड की तरफ आएंगे, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो ये जो संबंध बताया गया है लाठी के साथ किसका बताया गया है? भैंस का। लेकिन किसने बताया? जिसकी ने और उसकी, ये दोनों शब्द क्या है? सर्वनाम। तो बेटा जो करेगा सो भरेगा, जो सो जैसी वैसी, ये जब संबंध बेटा सर्वनाम शब्दों से बताया जाता है तो वो संबंध वाचक सर्वनाम है, राइट। इस पेज को मैं दोबारा खोलूंगा इस पेज को, आगे आइए। देखो बेटे, विभक्ति चिन्ह ये होते हैं का, की, के, रा, री, रे, मे, पर। अब जब संबंध विभक्ति चिन्हों द्वारा बताया जाता है तो वो संबंध कारक है। देखिएगा, उसने बोला राम की बहन। अब राम की बहन, संबंध राम के साथ इस बहन का है, ये संबंध किसने बताया? की ने। और की क्या है बेटा? विभक्ति चिन्ह है, ठीक है। उसके, बोर्ड की तरफ देखिएगा, उसके चाचा है या उसके चाचा, किससे बताया? के से। क्या है? विभक्ति चिन्ह। जब संबंध विभक्ति चिन्ह से बताया जाता है तो बेटे संबंध कारक है, और जब संबंध सर्वनाम से बताया जाता है तो बेटे संबंध वाचक सर्वनाम है, अर्थात सर्वनाम शब्दों से। डन भाई, कोई डाउट? आगे बढ़ू। और प्यारे बच्चों, जब संबंध अव्यय से बताया जाता है, अव्यय कशी कौन से शब्द होते हैं? अव्यय अविकारी, हाँ कौन से होते हैं? अभी थोड़ी देर पहले बता दे बेटे, अव्यय का ही नाम अविकारी है। अब बता, अविकारी कौन से होते हैं? वेल डन बेटे, जिन शब्दों के लिंग और वचन नहीं बदलते। तो बेटे जब अव्यय के साथ संबंध बताया जाता है, जैसे देखिएगा बोर्ड की तरफ आएंगे एक बार, लड़की के आगे, लड़की के आगे लड़का है। एक बार वचन चेंज करेंगे, सॉरी लिंग चेंज करेंगे, लड़के के आगे लड़की है, चेंज हो गया भाई, ये के आ गया जी, टीज रहा। घर के सामने विद्यालय है, के सामने, के आगे, के पीछे, के ऊपर, के नीचे, ये सारे के सारे क्या है? अव्यय है, जिनके लिंग वचन नहीं बदलते। इसका नहीं बदलेगा,
घर के पीछे नदी है, या आप ये कह सकते हो घोड़े के पीछे शेर है। देखिएगा एक बार, वैसे घोड़े के पीछे शेर है, जब हमने इसका लिंग बदला घोड़ी के पीछे शेरनी है, ये के पीछे एज इट इज रहा है बेटे, ठीक है। कुत्ते के आगे, कुत्ते के आगे शेर है, कुतिया के आगे शेरनी है, मतलब के आगे के पीछे के ऊपर के नीचे अव्यय है। जब इनसे संबंध बताया जाता है तो संबंध बोधक अव्यय हो जाएगा। वेल डन बेटे, तो चेंज ना हो, डन समझ आ गया बेटे। तो अगर संबंध बोधक वो अब ये पूछेगा कि कौन सा ठीक है, कि भी एक एग्जाम्पल दे देगा, क्या संबंध वाचक सर्वनाम है, संबंध कारक है, या संबंध बोधक अव्यय है। एग्जाम्पल के जरिए अब आपको पहचानना, पहचान लोगे? एक दो बच्चे की आवाज आ रही हो, और तो ऐसे है जैसे नए नए बारात में जाने के लिए तैयार हो। कारक वाला नहीं आया, ओके। हाँ, अभी बताऊंगा बेटे, अभी बताऊंगा लाडली बेटी, आइए। अब देख, आपने लिखा राम, लिखा राम के चाचा है, ये बता पहले ये संबंध किससे बताया गया है, राम का या राम के, किससे बताया गया है, चाचा से या के से? बहुत जल्दी कर रही बेटी, बोल के से, राइट। किससे बताया संबंध, के से, डन। तो यहां संबंध बताया के से, तो के क्या है, विभक्ति चिन्ह है, शब्द तो नहीं है, में पर से के द्वारा ने, ये कारक में करते हैं आप, राइट। तो ये क्या हो जाएगा यहां पर, कारक, डन। अब आइए, देखो बेटे, लास्ट क्लास में मैंने बताया था ये विभक्ति चिन्ह है ना, लाडली बेटी आप थे नहीं, सर्वनाम जो शब्द है इनके तो साथ जमा सटाकर किया जाता है इनका प्रयोग, मिलाकर या सटाकर, और संज्ञा से हटाकर प्रयोग करते हैं हम। तो हमने प्रयोग किया राम, क्या थी संज्ञा, राम के, तो ये विभक्ति चिन्ह था, जैसे राम के चाचा आपने बोला, तो बेटा ये जो विभक्ति चिन्ह है राम संज्ञा है, राम से हटाकर किया प्रयोग, अर्थात जब विभक्ति चिन्ह का प्रयोग संज्ञा के साथ होता है तो हटाकर करते हैं, राइट। अब सर्वनाम के साथ करूं, जैसे उस के, इसके साथ सटाकर होता है बेटे, उस ने, आ बेटे समझ में। अब देख उस की, तो ये जो विभक्ति चिन्ह है बेटा मेरी प्यारी बच्ची, सर्वनाम के साथ मिलाकर होते हैं, आगे समझ में। जैसे देखो मेरा, रारी, मेरी, क्लियर है, आगे आप समझ में। आपने डायरेक्ट सोच लिया कि सर उससे संबंध है, इन्हीं चीजों का फायदा उठाएगा उमा भारती। एक बार फिर क्या बताऊं बेटे, पहले ये बता कि क्या बताऊं, एक बार फिर से क्या पूछना चाह रही बेटे, तभी बता पाऊंगा। धन भाई, कोई डाउट? कोई डाउट है? आगे बढ़ू, एक बिटिया कमेंट आ रहा है कि सर एक बार फिर से बताओ, एक बार बेटा फटाफट बता दो क्या पूछना चाह रहे हो फिर से। चलो इसके बाद देखिएगा बेटे, अपने हो गए। अब एक है प्रश्न, जब हम प्रश्न पूछते हैं किसी से तो प्रश्न, पहली बात तो वाचक मतलब बोध कराने वाला, कोई प्रश्न कैसे पूछा जाता है, जैसे वो दो दरवाजे में बंद थे, लाइट चली गई या चाबी खोई, ये था कॉरिडोर, और ये गुप्तगू कर रहे थे, मतलब बातें कर रहे थे आपस में, यहां से आठ सुनाई दी दीक्षा पैरों की, तो इसने बोला दरवाजे पर कोई है या बरामदे में कोई है, तो कोई शब्द क्या है,
अनिश्चय। उसके बाद बेटे, उसके बाद प्यारे बच्चे, इसने आवाज लगाई, लड़की ने कहा दरवाजे पर कोई है, इस लड़के ने आवाज लगाई और बैठे हुए घर से क्यों घबरा गए थे, दरवाजे पर कौन है, क्योंकि डर गया, दरवाजे पर कौन है, तो क्या आवाज लगाई, कौन है। अब कौन है प्रश्नवाचक चिन्ह, यह किसकी बहस है, जैसे बिटिया कह रही थी, ठीक है, किसकी पुस्तक है, किसकी, अगर राम की पुस्तक है तो बेटे कारक, किसकी पुस्तक है, प्रश्न पूछा है, दूध कौन ले आएगा, थैला किसने उठाया, कहता था ना मेरी भैंस को अंडा किसने मारा, डंडा नहीं अंडा, भैंस मर गई बेचारी, ये अस्सी के फूल फूलदड़ी होती है, फुहारे होते हैं, चलते रहने चाहिए। आ बेटे समझ में, यह चश्मा किसका है, काला चश्मा क्या कहता है, बोला काला चश्मा कहंदा नू, बोला क्या कहंदा नू, क्या कहता काला चश्मा बताना एक बार, क्योंकि पापा ने सुन लिया ना जो गा रहा था काला चश्मा, बोला क्या कहता काला चश्मा एक बार बताना जरा, वो नहीं पापा कुछ नहीं, नहीं बता क्या कहता काला चश्मा। आ बेटे, तो ये जो प्रश्नवाचक जो शब्द है आपके संबंध कारक, अभी दोबारा बताया था बेटे, फिर समझ में नहीं आता तो फिर कॉमेंट कर दियो माँ, अभी संबंध इस बिटिया ने भी पूछा था। तो देखिए भाई प्यारे बच्चों, जैसे कौन है, किसका है, किसके, कहां जाओगे, क्या कर रहे हो, किसको बुलाओगे, तुम कौन हो, वह कौन है, राइट। तो ये जितने भी शब्द हैं बेटा, ये सारे के सारे प्रश्नवाचक सर्वनाम में चले जाएंगे, ठीक है, इसलिए हमने पूछता पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा मिलेगा। आइए आगे हरियाणा की सैर कराते हैं और राजस्थान का है ना दाल बाटी चूरमा खिला देते हैं, क्योंकि हरियाणा और राजस्थान में निज वाचक पूछा जाता है। लीजिए भाई आपके सामने, निज का मतलब होता है पर्सनल, पर्सनल कह लो, अपना कह लो, अपना मतलब खुद का, या सेल्फ कह लो, या निजी कह लो, राइट, कहते ना ये मेरा पर्सनल मैटर है, ये मेरा निजी है, मेरी पर्सनल लाइफ है, आप क्यों इंटरफेयर कर रहे हो। एक आदमी इतने शांतिप्रिय तरीके से उत्तर दे देता कोई बोलता ही नहीं फिर, है ना, डन। तो प्यारे बच्चों आइए एक बार जरा ध्यान से, इस निज का मतलब अपना, तो जब वक्ता बोलने वाला कर्ता बन के जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है, तो देखिएगा जैसे आपने लिखा मैं, वक्ता है बेटे, मैं स्वयं आ जाऊंगा, मैं स्वयं आ जाऊंगा, ऐसे लिखा बेटे, मैं स्वयं आ जाऊंगा, आ जाऊंगा क्या है, क्रिया, या मैं जो है वक्ता था, स्वयं आ जाऊंगा, आने का काम कौन करेगा, ये स्वयं, तो ये कर्ता वक्ता, वक्ता जो है बेटे कर्ता बन गया, यहां पर वक्ता क्या बन गया, कर्ता। जैसे देखिए उसने बोला आप खा लो, आप खा लो, मैं खुद खा लूंगा, खुद खा लूंगा, तो खा लूंगा क्या है बेटे, क्रिया, आप खा लो, मैं खुद खा लूंगा, तो देखिएगा बेटा ये जो मैं है ये क्या है, वक्ता, और खुद क्या है, निजवाचक, राइट। तो बेटे जब वक्ता कर्ता बनकर जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अपने लिए करता है, मैं अपना काम खुद कर लूंगी, वेल डन बेटे, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, देखिएगा बेटे आगे बढ़ूं, तो देखिए आप क्या बोलते हैं, आप पढ़ लो, आप पढ़ लो, मैं अपने आप पढ़ लूंगी, देखिएगा बेटे थोड़ा हा, अपने आप पढ़ लूंगी, तो एक बार जरा ध्यान से देखेंगे हम इसको, आप पढ़ लो, मैं अपने आप पढ़ लूंगी, जो अपने आप शब्द है ये किसके लिए प्रयोग किया गया है, मैं खुद के लिए कर रहा, वक्ता, मैं यहां पर वक्ता है, और पढ़ लूंगी क्रिया है, ये क्रिया करेगा कौन, अपने आप, तो ये बेटे यहां पर कर्ता हो गया। तो जब वक्ता कर्ता बनकर जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अपने लिए करता है वो बेटे निजवाचक में आ जाएंगे, ठीक है। अब देखिए अगर उसने पेपर में आपसे पूछा
आप, तो आप शब्द कौन सा सर्वनाम है? बस एक निज की पट्टी चढ़ी हुई है तो निज ही रहेगा। आप मध्यम पुरुष नहीं है, आप तुम तुम्हारा नहीं है, देख ले पर गौर से, हो सकता मैं गलत बोल रहा हूं, ऐसा भी हो सकता। तुम तुम्हारा आप आपका ये क्या है? पट्टा चढ़ा हुआ था निज का, इसी का वो फायदा उठाएगा एग्जामिनर, आप में और अपने आप में फर्क है, या आप अपने के साथ आया है, अपने तो अपने होते हैं, दिखा दिया आसन नहीं पा रहे लास्ट में, तो बेटे अपने आप राइट, तो अपने आप क्या है? निजवाचक। और खाली अगर आप पूछता है तो कौन सा अधिक्षा राइट बेटे, क्लियर है?